साहस सरोकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। मैं पवन पटेल इस समय आपको ग्राउंड जीरो पर यह रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बीते 24 फरवरी को एमपी एमएलए कोर्ट से वापस लौटते समय अधिवक्ता उमेश पाल को हमलावरों द्वारा गोलियों और बम से मारकर मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अभी तक की अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पीडीए की टीम द्वारा कई मकानों को गिराया गया है और कहा जा रहा है कि आतिक अहमद के करीबी है। अब किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है और किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम है, लोगों की क्या राय है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम उनसे जानेंगे कि जो इस समय प्रयागराज में पुलिस कार्रवाई कर रही है वो कितने हद तक सही और कितने हद तक और कार्रवाई की जा सकती है। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर अभी तक 24 तारीख को उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। अगर बात की जाए पुलिस की तो जितने भी अभी तक पुलिस ने नामजद किए आरोपी वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको क्या लग रहा है अभी तक जो कार्रवाई हो रही है कितने हद तक ठीक है और किस तरह और की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, अपराध की घटना ही होना ही अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि आज भाजपा अपने को सुशासन की बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से इनके शासन में माफिया और गुंडों का बढ़ोतरी हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। रही बात पुलिस की, पुलिस अगर चाहे तो वो घंटों को काम मिनटों में निपटा सकती है। अब पुलिस को सब पता होता है कि अपराध कहाँ से होता है, अपराधी कहाँ है, कहाँ क्राइम है, कहाँ पर शराब बनती, कहाँ जुए करते हैं, कहाँ पर छिनैती होती है, सब उनकी जानकारी में होता है, लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आता क्योंकि उनके भी परिवार हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं। रही बात मकान गिराने की, बाबा के बुलडोजर की हानक देने की, तो बाबा के नाम पर पुलिस वाले तो पहुंच गए मकान गिराने, लेकिन यह कितना सत्य है, क्या वो आरोपी उस दिन उसका ड्राइवर जो मारा गया क्या वो भी जो है उसमें संलिप्त था, क्या वो भी अपराधी था? अगर कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी की गाड़ी चलावे तो वो उसका अपराध नहीं, वो तो 8-10 हजार रुपए महीने पे काम कर रहा है ना, वो कोई वहाँ पर अपराध नहीं कर रहा। वो तो क्या लग रहा है अभी तक जो कार्रवाई की गई है कितने हद तक सही है और किस तरह की और कार्रवाई हो? कार्रवाई जो हुई, मैं तो कहता हूँ कहीं भी क्राइम घटे, कोई भी अपराध हो, अपराध पर तो नियंत्रण रखना सरकार का काम है और ये प्राथमिकता के तहत होना भी चाहिए था, लेकिन जो अभी हुआ सिर्फ एक जो है दिखावा है। आनंद पानंद में बाबा के भय से सिर्फ लोगों ने अपना वो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है बस। बिल्कुल, कार्रवाई कहीं न कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने करीब 13 आरोपियों को नामजद किया है। अगर बात की जाए तो अभी तक कोई भी नामजद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, और भी लोग हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है बाबा का बुलडोजर सही कार्य कर रहा है? अगर बुलडोजर चला के न्याय दिला सकते हैं तो फिर अपराधी भी उसी हिसाब से अपराध करेंगे। जब एक राजा होकर संविधान की धज्जियां बिगाड़ रहा है, धज्जियां उधेड़ रहा है, निचोड़ रहा है, संविधान को नोच रहा है, क्या लगता है कि अपराधी किसी की हत्या करके क्या गलत कर रहे हैं क्या? कहा जाए अभी तक की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है। कार्रवाई किए कितना है? कार्रवाई करे तब तो सवाल से बाहर आएंगे। एक अपराधी आप नहीं गिरा पाए। अभी विकास दुबे की बात होगी तो आप एनकाउंटर करके तुरंत न्याय दे देते हैं। अभी बात किसी ठाकुर साहब के घर की होगी तो आप तुरंत न्याय दे देंगे। और आपका बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों और ब्राह्मणों तक सीमित रह गया है। अगर यही न्याय है तो फिर आप अपराध देख ही रहे। बिल्कुल, जो कार्रवाई है निश्चित रूप से पुलिस को सवालिया निशान पे लाके खड़ा कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो है गाड़ी पलटने वाली है, या किस तरीके से गाड़ी पलटेगी हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लग रहा है जो अभी तक उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है कितने हद तक सही है, या जो कार्रवाई है किस हद तक होनी चाहिए? जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है, कहा जा रहा है कि माफियाओं को जो है समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, आपको क्या लग रहा है क्या कार्रवाई है? देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरीके से जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं या जो हत्याएं हो रही हैं, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं कि इस तरीके से प्रयागराज का जो माहौल है, उत्तर प्रदेश का जो सद्भाव का माहौल है, वो भाईचारे का माहौल कायम रहना चाहिए। शासन चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन हम सुरक्षा की दृष्टि से आम जनमानस को सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जो भी इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं वो उचित नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज माफिया के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो, कार्रवाई चाहे जिस पार्टी के माफिया हो, उनसे उनका कोई परिवार नहीं होता, उनकी पार्टी नहीं होती,
और उनका कोई समाज नहीं होता, माफियाओं का कोई समाज नहीं होता। अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वो हम लोग उसके लिए पक्ष में है, चाहे जो भी माफिया हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सख्त सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं कि जो भी और भी बहुत हमारे माफिया लोग हैं जो कि कई पार्टी से भी जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रही बात ये अभी जो आपने कहा पूछा कि अभी तक कदम जो उठाए गए हैं क्या सही है क्या गलत है, तो हम चाहते हैं कि अभी जो भी और लोग बाकी उसमें बाकी लोग हैं सबकी निष्पक्ष रूप से ईमानदारी के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और एक बात और है, आपने बुलडोजर का बात कर तो कोर्ट ने भी कह दिया है सभी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अभी तक जिस तरीके से बीते 24 तारीख को उमेश पाल को मौत के घाट उतार दिया गया था, आपको क्या लग रहा है कि अभी तक की कार्रवाई से उमेश पाल के परिवार को न्याय मिल पाया है? देखिए अभी न्याय नहीं मिल पाया है, जब तक अपराधी को अपराधी के हिसाब से सजा नहीं मिलती है तब तक अभी कोई हिसाब नहीं पाया, चाहे उमेश पाल हो चाहे किसी की भी हत्या हुई हो। हम सरकार से एक मांग करते हैं जो भी अपराधी हैं उनको तत्काल सरकार अपने हिसाब से उनका इनकाउंटर करे, चाहे जिस बिरादरी का अपराधी हो। इनकाउंटर के नाम पे तो कहा जा रहा है कि गाड़ी पलटने वाली, आपको क्या लग रहा है? देखिए गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटी है तो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन गाड़ी पलट जानी चाहिए। अगर विकास दुबे का गाड़ी पलट सकता है तो इन अपराधियों की गाड़ी पलटना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश अमन चैन कायम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हम बातचीत करेंगे। बीते 24 तारीख को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया और अभी तक कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने करीब 13 आरोपियों को नामजद किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई देखी जाए तो पुलिस ने अभी एक अपराधी को इनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि जो इनकाउंटर उन्होंने किया है वो भी सवाल के घेरे में है। और क्या लग रहा है कि अभी तक की जो कार्रवाई है कितनी हद तक ठीक और किस तरीके की और कार्रवाई हो सकती है? अभी तक की जो कार्रवाई हुई है हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं और इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल है कि पुलिस को कार्य करने दिया जाए और अपराधी इतनी जल्दी आसानी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि अपराधी उस जन्म से अपराध करते चले आ रहे हैं, उनका अपराध इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएगा। अब बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वो बुलडोजर की वजह से बाकी लोगों को जो है ना तकलीफें होने पाए, बुलडोजर उन पर ही किया जाए जो अपराधी हैं, जो अपराधी बाकी जो शामिल लोग हैं उनको मकान ध्वस्तीकरण से मकान गिराने से अपराधी नहीं आएंगे और जो जो गलत है उसको पकड़ा जाए, सजा मिलनी चाहिए। और भी लोग हम बातचीत करेंगे, आपको क्या लग रहा है कि उमेश पाल के परिवार को न्याय मिल रहा है? क्योंकि अभी तक लोग जो है दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि पुलिस जो है अपना कार्य ठीक से नहीं कर पा रही, क्योंकि करीब 13 आरोपी नामजद किए गए हैं और एक भी नामजद आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं, आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो जो मुख्य अभियुक्त थे वो पुलिस से पकड़ से दूर है और मेन अभियुक्त पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही और उनके जो करीबी है या उनका जो वहाँ बुलडोजर चला के उनका मकान गिराया जा रहा तो कहीं ना कहीं ये जो है गलत है। जो मेन अभियुक्त तो अभी तक वहाँ कोई बुलडोजर चला नहीं और जो मेन अभियुक्त नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, ये जो है कुछ गलत है। बिल्कुल, अगर बीते 24 फरवरी के पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बात की जाए तो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया। जिस तरीके से पुलिस लगातार इस घटना को अनावरण करने के लिए लगी हुई है, पुलिस द्वारा करीब 13 आरोपियों को नामजद किया गया है। हालांकि सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को जोर देकर कहा था कि इस घटना में शामिल सभी आरोपियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो अतीक अहमद के करीबियों पर की गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस इस पूरे अपराध को अभी तक पूरे अपराधियों को पकड़ पाने में नाकाम है। देखते रहिए प्राइम टीवी, पवन पटेल प्राइम टीवी प्रयागराज। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।